जीपीयू मार्केट की बात की जाए तो गेमिंग एंथुसियास्ट के लिए जीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। यहाँ पर एएमडी के साथ एनवीडिया को टक्कर देने के लिए एक नई कंपनी सामने आई है जिसको आप पहले से जानते हो, जिसके परफॉर्मेंस के लिए ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इमेंस लैब। आज बात करेंगे इंटेल के बारे में। बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन न्यूज़ इंटेल की है। आज इंटेल जीपीयू मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है। जीपीयू मार्केट के लिए इंटेल बहुत सारे प्रिपरेशंस करने में लगा हुआ है। इंटेल ने प्लान बना लिया है कि इंटेल अब डिस्क्रीट जीपीयू मार्केट के अंदर एंटर करने वाला है 2020 तक। जी हाँ दोस्तों, इंटेल ने प्लान किया है कि 2020 तक ये कंप्लीट जीपीयू मार्केट भी कैप्चर करेगा, जिसके लिए बहुत सारे प्रिपरेशंस करने में लगा है। और अपने इस प्रोजेक्ट को इंटेल ने नाम दिया है आर्कटिक साउंड, जिसकी प्रिपरेशंस में इंटेल ने एएमडी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स और टॉप नॉच इंजीनियर्स को हायर किया है। जीपीयू मार्केट की बात की जाए तो गेमिंग एंथुसियास्ट के लिए जीपीयू बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। किलर ग्राफिक कार्ड निकालने से पहले इंटेल ने जिम केलर को हायर किया। जिम केलर की बात की जाए दोस्तों तो ये एएमडी कंपनी में फॉर्मर लीड आर्किटेक्ट थे। जिम केलर अब सिलिकॉन इंजीनियरिंग टीम के वाइस प्रेसिडेंट है। एएमडी के फॉर्मर सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर क्रिस हुक अब इंटेल के लिए काम करेंगे। अब इंटेल के लिए ये डिस्क्रीट ग्राफिक्स एंड विजुअल टेक्नोलॉजीज में मार्केटिंग डायरेक्टर होंगे। एंटाल टंगलर जो कि फॉर्मर सीनियर मैनेजर ऑफ ग्लोबल टेक्नोलॉजीज थे, ये अब काम करेंगे इंटेल के ग्राफिक सॉफ्टवेयर के लिए। और अब यहाँ पर की प्लेयर होंगे राजा कोदुरी अब यहाँ पर की प्लेयर होंगे, जो कि फॉर्मर हेड थे रेडियन टेक्नोलॉजीज के। राजा कोदुरी अब इंटेल के लिए करंट चीफ आर्किटेक्ट होंगे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। इसके अलावा जीएम ऑफ कोर एंड विजुअल कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस भी होंगे। अब बात करते हैं एएमडी के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डैरन मैकफी की। डैरन मैकफी प्रोडक्ट मार्केटिंग डायरेक्टर होंगे एट इंटेल डिस्क्रीट ग्राफिक्स। डैरन मैकफी एएमडी के लिए बहुत ही बड़े की प्लेयर हैं, जिन्होंने R9 सीरीज, R7 सीरीज, 200 सीरीज, 300 सीरीज ग्राफिक्स के लिए काम किया है। R9 फ्यूरी सीरीज और R9 नैनो सीरीज के लिए भी काम किया है। इसके अलावा एएमडी 6 जेन A सीरीज नोटबुक प्रोसेसर्स के लिए भी काम किया है। इंटेल और इन की प्लेयर्स को लेकर आपको फ्यूचर में कई सारे रिवोल्यूशनरी डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड्स देखने को मिलेंगे। तो गेमिंग फ्यूचर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। कई सारी धमाल चीज़ें आपके सामने आने वाली है, बस वक्त का इंतज़ार कीजिए। तब तक के सब्सक्राइब कीजिए इमेंस लैब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइन ऑफ।